गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश रीडर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपने घर पे अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं। स्टूडेंट्स नाउ टेक योर इंग्लिश रीडर बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 21। देखिए यहाँ पर आपका पेज नंबर लिखा हुआ है 21। जल्द से जल्दी ओपन करेंगे, सारे स्टूडेंट मेरे साथ ही ओपन करेंगे क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ओनली लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मैं बोलूँगी और आप सुनेंगे और ये आपके इन्जॉयमेंट के लिए है। और आज का वीडियो आप सिर्फ कुछ शेप हैं, हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई रिटर्न नहीं है, सिर्फ ओरल है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ इधर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसन टू दिस रिडल्स ऑन शेप एंड से द नेम ऑफ द थिंग्स, फाइंड आउट हाउ मैनी यू गेट राइट। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे साइड में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्विंग रिडल्स। तो ये कुछ पहेलियाँ हैं, हमें वो सिर्फ सॉल्व करनी है। देखते हैं, हिंट्स तो दिया ही है हमें, ये सारे हमारे हिंट्स हैं, इन्हीं को देख के हमें सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये वीडियो, आपको कहीं भी राइट नहीं करना है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है, I am a small rectangle. तो ये लाइन बोल रहा है I am a small rectangle. रेक्टेंगल कौन सा शेप होता है अभी आपको बताऊंगी। People put letter in me and write on my face. Guess who I am. अब ये बोल रहा है मैं छोटा रेक्टेंगल हूँ और मुझे जो है आपको गेस करना है। तो और ये भी बता रहा है People put letter in me. मुझ में वो लोग जो हैं मेरे अंदर लेटर रखते हैं एंड मेरा फेस देखकर। चलिए देखते हैं, तो आप तो समझ जाएंगे कि क्या है इनवेलप। तो ये कौन सा शेप है, विच शेप ऑफ इनवेलप, कौन सा शेप का है, रेक्टेंगल। यस बेटा, ये रेक्टेंगल शेप है, आप इसे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, आई एम राउंड इन शेप एंड आई गेट किक अराउंड अ लॉट, हैव यू प्लेड विद मी। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि मैं गोल शेप का हूँ और लोग मुझे किक भी करते हैं, हैव यू प्लेड विद मी। तो ये है हमारा बॉल, फुटबॉल इसको कह सकते हैं हम क्योंकि किक करते हैं, तो ये हमारा फुटबॉल है। एंड थर्ड है हमारा, आई एम ओवल एंड स्वीट, आई हैव अ कलरफुल रैपर कवरिंग मी, रिमेंबर टू टेक ऑफ द कवर बिफोर यू ईट मी, गेस माई नेम। अब इसे तो मुझे समझना पड़ेगा, और स्वीट भी लिखा है, स्वीटनेस तो मीठा होता है, एंड आई एम अ कलरफुल, और कलरफुल भी है तो हमें एक ही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, और मुझे मतलब रैप भी किया गया है इसको, रिमेंबर टू टेक ऑफ द कवर बिफोर यू ईट मी। देखिए ये है टॉफ़ी जो बनी है ना, ये ओवल शेप की है। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट फोर है हमारा, आई हैव अ बैग एंड फोर लेग्स, पीपल शिट ऑन माय फ्लैट, स्क्वायर सो मच, हु आई एम। तो इस लाइन को तो आप समझ ही गए होंगे, इसके पीछे क्या है, फोर लेग। देखिए ये अभी लास्ट बचा है, तो सभी स्टूडेंट जान गए हैं कि चेयर ही होनी होगी, पीपल शिट ऑन माई फ्लैट, और सब लोग बैठते भी हैं इस पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्क्वायर शेप में है और जहाँ पे हम शिट करते हैं, बस ये आपको इसे समझाने के लिए था कि आप शेप्स को पहचान सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच ऑल।